इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल 74 एकदम अच्छा से समझिएगा, एकदम फोकस्ड रहिएगा। आर्टिकल 74 और 75 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को सीट दे दिए है, 75 अभी आज नहीं पढ़ा रहे, आज 74 में ही हम बात खत्म कर देंगे। 74 में आप पढ़ पा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक, यहां तक जहां तक बोले, जितना अभी बोले, हम आगे का जानबूझ के नहीं बोले, इंग्लिश में फिर से बोल रहे हैं, वो चेंज होगा। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। यहां तक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं तक लिखा हुआ था, एकदम यहीं तक। तो यहां हम उस बात को लिख रहे हैं, There shall be a council of minister, council of minister। ठीक, आगे क्या है? With the prime minister minister at the head to aid and advise, to aid एंड एडवाइस, एडवाइस द, बस यही रुक जाइए अभी। प्रेसिडेंट, समझ लीजिएगा कि ये लैंग्वेज था 74 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, यही लैंग्वेज था। अब ये लैंग्वेज है, जो लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे वो इस बात के लिए बिल्कुल ही क्लियर थे कि जब प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा सा फिर से सुनिए, इसमें लिखा ही हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन इसमें देखिए ये बात नहीं लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उसका बात मानेगा, लिखा हुआ है सलाह देने के लिए होगी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको ये बात दिमाग में क्लियर था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बात मानेगा, वो उनको क्लियर था। क्यों क्लियर था? क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ठीक, आवर कंट्री हैज, इधर में लिख रहे क्योंकि वहां पे एडिशंस करेंगे, आवर कंट्री हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक, हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो राष्ट्र का प्रधान होता है वो सरकार का प्रधान नहीं होता है। ब्रिटेन का ताज जो है वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वहाँ जो सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री है। और हम लोग चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किए, इसीलिए इस लाइन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को अपने आप में क्लियर था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का सलाह से ही काम करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो हेड थे राजेंद्र प्रसाद, उनको भी बात क्लियर था उस समय में जब ये बन रहा था, तो लिखा जा रहा था, तो राजेंद्र प्रसाद को भी क्लियर था कि हाँ लिखा तो जा रहा है कि सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, लेकिन इम्प्लाइड है, अंदर में छुपा हुआ है कि राष्ट्रपति वो बात मानेगा। ठीक, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए राष्ट्रपति, आपको पता है। ठीक, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट। लेकिन उस समय वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट देने लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो उनका कहना था कि हाँ वो प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रधानमंत्री की बात मानेगा। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिए जिसमें बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली साफ साफ नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री का बात राष्ट्रपति मानेगा। देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो कुछ स्टेटमेंट थे वो बोल रहे थे कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, मतलब कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति, ये तो लिखा हुआ है खाली होगी सलाह देने के लिए। अब ये कंट्रोवर्सी का सोर्स है। ठीक, एक पक्ष बोलेगा कि इसमें नहीं भी लिखा है तो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानेगा, और एक पक्ष बोलेगा जब नहीं लिखा है तो मानना कोई जरूरी नहीं है। ये है कंट्रोवर्सी का सोर्स। हमारी सुप्रीम कोर्ट 1976 से पहले ही इस बात को क्लियर कर दी थी कि इंडिया हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और इसमें अगर इसमें लिखा नहीं भी है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का बात मानेगा। ठीक, अपना दिमाग नहीं चलाएगा।
कंट्रोवर्सी का दो सोर्स बता दिए, मतलब दो पक्ष बता दिए। एक पक्ष बोलता है कि इस लैंग्वेज में जब तक ये लिखा हुआ था, एक पक्ष बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात मानेगा क्योंकि वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। एक पक्ष बोलता है साफ साफ कहाँ लिखा है, तो कोर्ट में तो प्रॉब्लम्स होंगे, लोग जाएंगे। इस बात को एकदम क्लियर करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार साफ साफ लिखवा दी इसके आगे ठीक क्या लिखवा दी, हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन accordance with such advice ठीक नहीं, वो ठीक है, वो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वो यहां से है, यानी यहां पर भी वो थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ होगा। ठीक, तो ये जो है ये who shall act in exercise of his function in accordance with such advice, अब लैंग्वेज बदल गए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति दी गई सलाह पर काम करेगा। साफ साफ इंदिरा गांधी के टाइम में एकदम क्लियर बात हो गया, मतलब ये जो कंट्रोवर्सी था ना एक ही बार में खत्म कर दी। ये है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, क्लियर, जो बात कोर्ट के फैसलों में पहले से ही क्लियर था। ठीक, इंदिरा गांधी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखवा दी कि आगे से अब कोई ये ना हो कि कोई जाकर के कोर्ट में बोले कि, या फिर ऐसा कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल सके कि ये केवल एडवाइस देने के बाद लिखा हुआ, मानने का बात नहीं लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट का पावर को यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया, प्रेसिडेंट जो है वो केवल नॉमिनल हेड है, एकदम मतलब संविधान ही बोल दिया नॉमिनल हेड है, इसको प्रधानमंत्री के बाद मानना पड़ेगा। ठीक, जो हम इतने दिन से क्लास में बोल रहे हैं कि हमारा प्रेसिडेंट रियलिटी में लगभग कुछ भी नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो जब भी कुछ करेगा तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही करेगा। ठीक, वार का डिक्लेरेशन करना है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस पे करेगा क्योंकि लिखा गया है, अब तो लिखा गया है कि जो भी एक्सरसाइज करेगा उसका पावर, जो भी पावर है, तो उसके पावर हम जो पढ़ रहे थे याद कीजिए, उसके हम लोग पढ़े डिप्लोमेटिक पावर, उसके मिलिट्री पावर पढ़े, ठीक, उसके लॉ मेकिंग पावर्स पढ़े, ठीक, और क्या पढ़े, एग्जीक्यूटिव पावर बोले, जितने पावर पढ़ लिए हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, ठीक, जो भी उसका फंक्शन है राष्ट्रपति का वो करते समय प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर ही काम करेगा, यानी कि वो सारे के सारे फंक्शंस इन रियलिटी आर एक्सरसाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। इन राष्ट्रपति की जब हम शक्तियां पढ़ते हैं तो रियलिटी में वो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती है और सरकार की शक्तियां होती है, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती। ठीक, ये फर्स्ट चेंज था। पॉलिटिकल हालत ऐसे थे हमारे देश के कि ये 1975, 76, 77 इस टाइम में पॉलिटिकल अपहीवल चलता था। अपहीवल चलता था मतलब कि यहाँ पर इंदिरा गांधी की पहले सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार 75 में इमरजेंसी लगा दी, ठीक, इमरजेंसी लगा दी और 76 में वाला एक्ट पास हुआ, ठीक, 76 में। और इसके बाद इंदिरा गांधी, आपको शायद पता हो कि इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी हटाई तो उसके पहले इमरजेंसी के अगेंस्ट में मूवमेंट चल रहे थे और इस मूवमेंट के लीडर थे जयप्रकाश नारायण, ठीक, जेपी मूवमेंट। तो ये जो जेपी मूवमेंट है चला, जेपी मूवमेंट चलने के बाद, अच्छा आपको ये भी बता चुके हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई और नई सरकार आई मुरारजी देसाई की सरकार, तो मुरारजी देसाई की सरकार 42nd अमेंडमेंट में जो कुछ संविधान में बदलाव किया गया था उस सबको रोल बैक करना चाह रही थी। ठीक, जो किया गया है उसको रोल बैक करते हैं, तो रोल बैक आप देखिए इमरजेंसी में कितने सारे वो चेंजेस किए गए थे। ठीक, तो ये जो है रोल बैक करना चाहती थी, कई सारे जो प्रावधान है 42nd अमेंडमेंट के वो 44th अमेंडमेंट से उसको हटाएगा। ठीक, लेकिन यहां पर वो लोग भी हटाए नहीं,
जेपी की जो सरकार आई, ये जेपी मूवमेंट वाली मोरारजी देसाई की सरकार, वो लेकर के आए लोग यहाँ पर 42nd 44th अमेंडमेंट लेकर के आए, ठीक, उनका अमेंडमेंट है 44 78। लेकिन वो लोग अगर चाहते तो इसको हटा सकते थे, लेकिन वो बोले नहीं, ये काम का चीज़ है, जैसे वो सोच रहे हो काम का चीज़ है, ठीक, काम का चीज़ है ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो वो लोग क्या किए, अब प्रेसिडेंट को चूंकि बांध दिए ना कि तुमको करना ही पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट को थोड़ा सा लिवरेज दिए, ठीक, और वो लिवरेज क्या दिए कि एक बार वो प्रधानमंत्री से बोल सकेगा कि जो तुम हमको एडवाइस दे रहा है उस एडवाइस पर फिर से विचार करके आओ, ठीक। देखिए लिवरेज यहाँ पर आया, ये लिवरेज दिए प्रेसिडेंट को कि एक बार वो बोल सकते हैं कि जो एडवाइस हमको दे रहा है वो एडवाइस को एक बार फिर से सोच करके दो, और प्रधानमंत्री अगर दोबारा वही एडवाइस देता है तो राष्ट्रपति को मानना होगा, ये भी लिखवा दिया, ठीक। यहाँ जो चेंजेज हुए हैं इसके बाद वाले, वो केवल प्रेसिडेंट कुछ टाइम के लिए उसको बोल सकता है कि फिर से सोच करके बताओ। अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो आर्टिकल 356 को इन्वोक किया जाएगा कि राष्ट्रपति लिखेगा कि आर्टिकल 356 के अधीन मैं झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाता हूँ, तो राष्ट्रपति लिखेगा। जयश्री, राष्ट्रपति जब ये बात लिखेगा तो किसका एडवाइस पर लिखेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उसको बोलेगा कि एक ऑर्डर निकाली है, ठीक, प्रेसिडेंट का ऑर्डर निकलेगा, उस ऑर्डर में लिखा होगा कि झारखंड में लगेगा प्रेसिडेंट रूल, वो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा। लेकिन यहाँ तक वो ठीक है, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट का बात करेंगे तो राष्ट्रपति बोलेगा क्या हमको लिखना है, तो लेगा हाँ लिखना है, एक बार फिर से सोच लो और फिर बोलना। तो उस समय क्या होगा, प्रधानमंत्री जैसे वो चला गया, प्रेसिडेंट नहीं लिखा, और अगर अगला दिन आकर के वो प्रेसिडेंट को फिर से बोलता है कि ऑर्डर निकाली झारखंड के लिए, तो अब राष्ट्रपति इनकार नहीं कर पाएगा। यहाँ हम लिख रहे हो बात को, जो आगे आगे हम जो इतना समझा रहे हो बस बात को लिख रहे हैं, यानी कि 44th अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को एक पावर दे दिया यहाँ पर कि प्रधानमंत्री से बोल सके कि यू प्लीज रिकंसिडर योर एडवाइस, ठीक। तो होता क्या है प्रैक्टिकली कभी कभी कि राष्ट्रपति बोलता है कि रिकंसिडर करो, तो रिकंसिडर करो तो पेपर में छपता है, पेपर में छपता है तो अचानक से डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, और सरकार को अगर महसूस होता है कि जनता हमारे खिलाफ में जा रही है इस ऑर्डर से, तो कई बार राष्ट्रपति को दोबारा एडवाइस नहीं देती है, ठीक। ये जो हमारे थे ना, ये अब्दुल कलाम आजाद, ये एक दो बार प्रेसिडेंट का ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो एडवाइस था उसको ये बोले थे कि सोच करके आओ, तो सरकार जो थी वो दोबारा एडवाइस ही नहीं थी। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को थोड़ा पावर मिल जाता है, लेकिन ये भी क्लियर है कि सेकेंड बार में अगर प्रधानमंत्री वही एडवाइस लेके आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि फिर से बोलेगा कि फिर से सोच करके आओ, ये एक बार का है केवल, ठीक। तो इसका मतलब है कि क्या लिखा हुआ है, provided that the president president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration, ठीक। तो ये जो है tendered after such reconsideration, लैंग्वेजेज जो दिया गया है उस लैंग्वेजेज को आप याद कर लीजिएगा,
लिखा हुआ है कि हम क्या बोल रहे थे, गिव सच एडवाइस, लिखते से हम लिखेंगे टेंडर सच एडवाइस, देखिए अच्छा राइटर बनिए, ठीक। तो क्या होगा, शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ एडवाइस टेंडर्ड टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन, ठीक। मतलब बोल दिया साफ साफ कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री को प्रोवाइडेड बोल सकता है कि मैं अपना एडवाइस को रिकंसिडर करो, तो रिकंसिडर करो जनरल के रिकंसिडर करो, या अदरवाइज का मतलब स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे सोच करके आओ, ठीक। और उसके बाद लेकिन लिख दिया साफ साफ कि उसके बाद रिकंसिडरेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन सच एडवाइस, ठीक। बड़ा क्लियर है अभी बात, ठीक। तो 74 नंबर आर्टिकल है, 74 नंबर आर्टिकल जो है वो चेंजेज से होकर के गुजरा, ठीक, चेंजेज से होकर के गुजरा है, ये गुजरा है। इसमें सबसे पहले था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, सिंपल, बाकी कुछ क्लियर नहीं था, बाकी सब एज्यूम्ड था कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा रिपब्लिक में, वो जो प्रेसिडेंट होगा वो रियल पावर नहीं रखेगा, हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में रखता है उसके पास रियल पावर होता है, पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए कोई ना कोई होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा मोनार्की होगा तो ताज को एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर होगा, ब्रिटेन में एक ताज होता है उसका एडवाइस देने के लिए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक। वहाँ ताज जो होता है वो सारा का सारा काम वो प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर करता है, ठीक। तो ये लिखा हुआ था, हम एज्यूम किए थे लेकिन शुरू हो गया कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, इंदिरा गांधी उस कंट्रोवर्सी को एक झटका में ख़त्म कर दी और बोली कि जो एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट उसी पे काम करेगा, ठीक, जो एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट उसी पे काम करेगा। यानी कि ये जो दो साल रहे होंगे 76 to 78, ये प्रेसिडेंट के लिए देखा जाए तो ये खराब दिन था, ठीक। करना क्या है, प्रधानमंत्री जी बोलेगा करना है, अपना कोई भी नथिंग, नो डिस्क्रिशन, ठीक, ये तो क्लियर ही नहीं था, यहां तो उस बोल दिया नो डिस्क्रिशन। अब ये जो पार्ट है ना, इसमें प्रेसिडेंट का पर्सनल डिस्क्रिशन आ जाता है, जैसे कभी एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन कैन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन, आपको उस तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपना व्यक्तिगत मत का कहां पर प्रयोग कर सकता है, ठीक, अपने विवेक का प्रयोग, स्वविवेक हिंदी में बोलते हैं कि वो अपना स्वविवेक का प्रयोग कब कर सकता है, तो स्वविवेक का प्रयोग हम बोले तो हंग भंग होगा, ठीक, वहां कर पाएगा, हाँ, नहीं, अच्छा वो आ रहे हैं, नहीं, वो बिल में नहीं लगेगा, वहां पर नहीं है, ठीक, बिल में जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेजता है ना, एक्चुअली वो एग्जीक्यूटिव का पावर है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर बोलेगा रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज दो, ठीक। यहां पर केवल जो है, यहां पर देखिए डिस्क्रिशन उसके बहुत कम है, आप डिस्क्रिशन अगर ढूंढेंगे तो वहां पर वो मिलेगा कि हंग एक आ जाए, ठीक, एक क्या है, हंग लोकसभा है, किसी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है, एक डिस्क्रिशन आ जाएगा। दूसरा डिस्क्रिशन कब आ जाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाता है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, तो खाली स्टॉप गैप जो छोटा सा टाइम मिल रहा है उसमें वो किसी को बोल सकते हो प्रधानमंत्री बन जाओ, तब तक बिना प्रधानमंत्री का ये देश नहीं रह सकता, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर देता हो, आप समझिएगा अच्छा से, रिजाइन भी कर दे तो भी आर्टिकल 74 जिंदा है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा राष्ट्रपति अपना मर्जी से काम करने लगेगा, नो, प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाएगा राष्ट्रपति अपना मर्जी से काम करने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, उसी समय राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा और उसी के एडवाइस से काम करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ठीक। तो वो जो होगा, हाँ, उस समय में जैसे गुलजारी लाल नंदा डिस्क्रिशन आ ही गया था ना उस समय में, तो अगर पूछेगा तब को यही दो चार पॉइंट मिलेंगे घूम फिर करके, ज्यादा नहीं होंगे, और ये उसका पर्सनल डिस्क्रिशन है, जब प्रधानमंत्री आके बोल रहा है कि ये वाला काम कीजिए और वो बोल रहा है एक बार सोच के बताओ, तो उसका पर्सनल है, अब प्रधानमंत्री खुद ही नहीं बोलेगा राष्ट्रपति को कि लीजिए और एक बार हमको बोलिए कि हम सोच के बताएं,
ये जो है उसका पर्सनल डिस्क्रिशन है, ये पर्सनल डिस्क्रिशन 44th अमेंडमेंट से ये बात जो था उसको दे दिया गया। ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। एक तो ये जो है एक पूरा का पूरा ये राउंड जो है हम घुमा दिया आपको, ये 74 अमेंडमेंट में चेंजेज आए हैं। हम लोग ऐसा करते हैं आज क्लास को यहाँ क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे फिर।